Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद वरुण गांधी की अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवरों के बाद उनकी अब मां यानी कि मेनका गांधी ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल उठा दिए हैं। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर के कादीपुर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों के चयन पर सवाल उठा दिया। मेनका गांधी के इस बयान के बाद उनके कई सारे सियासी मायने लगाए जाने लगे हैं। आइए आपको बता दें कि मेनका गांधी ने आखिरकार जनसभा में क्या कहा है। पी में से हटवाए 27 अपात्र लोगों के नाम। अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने ऐसे 27 लोगों के नाम को अब हटवा दिया है जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 80 से 90 हजार रुपए तक होती है। मेनका गांधी ने कहा कि इन लोगों को पहले घर बनवाना चाहिए था, तब बाइक खरीदनी चाहिए थी, ऐसे में इस योजना के पात्र नहीं है। सुल्तानपुर के कादीपुर ब्लॉक में लोगों को संबोधित करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसका नाम पीएम आवास के पात्रों की लिस्ट से काटा जाएगा। पहले घर बनाना चाहिए था, फिर बाइक लेनी चाहिए थी। मेनका गांधी ने कहा कि अगर आपके पास 80 या 90 हजार तक के रुपए हैं तो आपको पहले घर बनवाना चाहिए था, न कि बाइक खरीदनी चाहिए थी। इस दौरान मेनका गांधी ने जनता के सामने सरकारी तंत्र की पोल खोल कर रख दी। मेनका गांधी ने इस दौरान दावा भी किया कि उन्होंने कहा कि मैं तस्वीरें अपने साथ लाई हूं, जो मैं पीडी साहब को दूंगी वो इन तस्वीरों को देखे। जिन लोगों के पास घर है वो भी पीएम आवास योजना का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहले से पक्के घर होने के बावजूद पीएम आवास योजना का लाभ हो रहे हैं। तो वही बात करें तो जिस तरीके से वरुण गांधी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते निशाना भारतीय जनता पार्टी पर ही साध रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी से जब इस बारे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मल्लिका अर्जुन खड़गे पर पूरा का पूरा मामला टाल दिया। और वरुण गांधी के बाद अब मेनका गांधी ने जिस तरीके से अपने ही पार्टी के लेकर जो है निशाना साधा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल मच गई है कि क्या सच में मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी का दामन थामने वाले हैं। आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके का बयानों का दौर जारी है उसको लेकर सियासती जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।